Assalamu alaikum friend, welcome to a brand new video. आज मैं एक इंटरेस्टिंग सा काम करने जा रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँ और आप सबको दिखाऊँ कि मैं क्या करने वाली हूँ. आज मैं अहमद को एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ. अहमद ने मुझसे जो है ना एक पेयर ऑफ शूज़ जो है वो गिफ्ट मांगा था, लेकिन मैंने उसे कहा कि पहले वो अपना टेस्ट जो है उसमें अच्छे से मार्क्स ले तो फिर मैं उसे गिफ्ट दे दूँगी. तो आज उसका रिज़ल्ट आया है और माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर उसने लिए हैं. तो मैंने उसका गिफ्ट पहले ऑर्डर कर दिया हुआ था. ये है उसका गिफ्ट और मैंने सोचा कि उसको सरप्राइज़ दिया जाए. वो भी इस टाइम बैठ के पढ़ रहा है और मैं उसको दिखाने जा रही हूँ उसका गिफ्ट. तो चले चलते हैं, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है अपना गिफ्ट देख के. चले उसी के पास चलते हैं. I'm too excited. Guys, Ahmad बैठ के अंदर पढ़ रहा है, वो देखें. और देखें पढ़ रहा है अंदर बैठ के. चलें उसको सरप्राइज देते हैं. Ahmad क्या कर रहे हो? वो आपके लिए कुछ है क्या? तो फ्रेंड्स, अहमद जो है वो आपको बताएगा कि भाई जो है क्या आजकल इसके असेसमेंट चल रहे हैं, तो इसका मैथ का क्या रिजल्ट आया बताओ अहमद. सर, 64 मार्क्स आए आउट ऑफ 75. अच्छा, तो मैं आप सबको ये भी बता दूं कि अहमद ने ना मुझसे कुछ मांगा था, गिफ्ट मांगा था. अहमद क्या गिफ्ट मांगा था? शूज का था. देख ले, इसे शूज कहे थे, लेकिन मैंने इसको कहा था कि पहले तुम मार्क्स लो फिर तुम्हारे शूज आएंगे, लेकिन मैं मतलब शूज नहीं मंगवा सकी इसके लिए. मैं दुखी है इस वजह से काफी ज्यादा, ना नाराज भी है थोड़ा थोड़ा मुझसे, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा भाई है इसलिए मैं इसे सॉरी करने आई थी. मैं शूज अगर ना भी मिले तो चलेगा? नहीं, आपने मुझे कहा था. अब क्या करें क्या करें क्या करें, क्या किया जाए अहमद के लिए, क्या किया जाए अहमद के लिए. ये क्या? ये था तुम्हारा गिफ्ट. देख ले व्यूअर्स, बहने हो तो ऐसी, मैंने अपना वादा पूरा किया है. देखो अपना गिफ्ट भाई, थोड़ी एक्साइटमेंट तो शो कर दो, थोड़ी खुशी तो शो कर दो. देखो अब देख ही दो. देखो ये वही वाले हैं, मैंने देखे थे. बिल्कुल ये वही वाले शूज हैं तुम्हारे, ठीक है. ये अहमद ने ऑनलाइन देखे थे शूज और इसने कहा था कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली यही शूज चाहिए, तो मैंने कहा था चलो ठीक है. लेकिन फिर मैं इसके लिए, क्योंकि इसको मैंने कंडीशन दी थी, इसने वो पूरी कर दी, तो अब ये इसके गिफ्ट आ चुका है और अब अहमद हमें ट्राई करके दिखाएगा कि कैसा इसको लगा, कैसा और पहन कर दिखाएगा. सेम वही है ना? सेम बिल्कुल वही है जो आपने कहे थे. मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं. Years later. गिफ्ट देने का और गिफ्ट लेने का तो वैसे ही बहुत मजा आता है, और अहमद को गिफ्ट देने का ज्यादा मजा आता है, क्योंकि अहमद जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, बहुत ज्यादा खुश होता है. अहमद को कुछ भी दे दो, अहमद हमेशा खुश होता है. दूसरे क्योंकि ये सबसे छोटा है, तो इसके लिए इस वजह से जो भी ये कहता है फिर वो मुझे पूरा करना पड़ता है. ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि अहमद जो है वो इतने मार्क्स जो है ना वो गेन कर लेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ता, सारा दिन जो है वो पता नहीं कैसे मार्क्स, गेम्स खेलता रहता है, सारा दिन गेम्स खेलता रहता है, सारा दिन कंप्यूटर यूज करता रहता है, लैपटॉप यूज करता रहता है, पढ़ता नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे मार्क्स आ गए.
ये अहमद का जादू है। अहमद का जादू हो गए। फ्रेंड्स देखें अहमद के शूज कैसे लग रहे हैं, माशाल्लाह हीरो बन गया। आओ जी बैठो, मजा आ गया। और फ्रेंड्स ये अहमद का जो गिफ्ट था उसका रिएक्शन था और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इसको गिफ्ट देके। थैंक यू। ये मेरा प्यारा भाई है और हमेशा जो है वो मेरा ख्याल रखता है और जो है वो जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ती है हमेशा मेरे काम आता है। और ये मेरा बहुत ही प्यारा और लाडला भाई है। इंशाल्लाह हम दोनों फिर आएंगे एक नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके और लाइक कर सके और एक थम्स अप दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।